मोदा टी पॉइंट से मोदा शहर से केसलापुर की तरफ जाने वाले 3 किलोमीटर का मार्ग का 3 साल पूर्व डामरीकरण किया गया था, लेकिन किया गया काम निष्कृष्ट दर्जे का होने के कारण इस मार्ग पे बड़े जानलेवा गड्ढे पड़े हुए हैं। पिछले दिनों इन गड्ढों के बारे में स्थानीय अखबारों ने खबर प्रकाशित की थी। तब मोदा सार्वजनिक विभाग द्वारा इन गड्ढों को आनन फानन में बड़ी गिट्टी डालकर दुरुस्त किया गया था, लेकिन 2-4 दिन में इन गड्ढों को पूर्वावस्था प्राप्त हुई। आज इस मार्ग पर गिट्टी पूरी तरह ऊपर आने के कारण दोपहिया वाहन चालक को वाहन चलाना मुश्किल हुआ है। इस मार्ग पर कई वाहन चालक वाहन स्लिप होने के कारण जख्मी होने की घटना घटी है। हैरत की बात यह है कि इस मार्ग से क्षेत्र और शहर के जनप्रतिनिधि रोजाना आवागमन करते हैं, क्या उन्हें यह गड्ढे नजर नहीं आते? क्या इस प्रकार का संतप्त सवाल नागरिकों ने उपस्थित किया है? इस मार्ग के काम की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग ओबीसी मुक्ति मोर्चा के नागपुर जिला संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता रामवाड़ी भस्मे ने की है। भंडारा और नागपुर से मोदा शहर और रामटेक की ओर जाने वाला यह मुख्य मार्ग होने के कारण इस मार्ग पर नागरिकों का भारी संख्या में आवागमन रहता है। इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त करने की मांग रामवाड़ी भस्मे और चंदू केकपुरे ने की है। रबड़ीवाला टी पॉइंट ते केसलापुर टी पॉइंट हा 3 किलोमीटरचा रस्ता आहे। मौदा शहरातील मुख्य रस्ता आणि वर्दळीचा रस्ता आहे। गेल्या 2 वर्षे आधी 6 रस्त्याचे काम करण्यात आले होते, नूतनीकरणाचे काम करण्यात आले होते, पण काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाल्यामुळे काही दिवसातच ह्या रस्त्याला खड्डे पडणे, गिट्टी निघणे अशा प्रकारचे हे झाले आणि त्यामुळे खूपदा ॲक्सिडेंटसुद्धा झाले। समाज माध्यमावर आणि वृत्तपत्राच्या माध्यमातून वेळोवेळी याबद्दल वृत्त प्रकाशित झाल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याकडे लक्ष देत ह्या कामाला सुरुवात केली, पुन्हा नूतनीकरणाच्या कामाला सुरुवात केली। मात्र ह्यावेळेसुद्धा अतिशय एकदम बेकार पद्धतीने आणि अतिशय खालच्या दर्जाचे काम झाल्यामुळे ह्या दुरुस्तीकरणाचे काम करूनसुद्धा 8 दिवसात ह्या रस्त्याची एकदम बेहाल झाली आहे आणि त्यामुळे खूपदा इथे ॲक्सिडेंट होत आहेत। जे गिट्टी वगैरे आहे ते ट्रकाच्या सहाय्याने माध्यमातून ती उचलून लोकांना लागते आहे, कधी बाईकवाल्यांचे ॲक्सिडेंट होत आहेत, गाडी स्लिप होत आहेत। तर याकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विशेष लक्ष देत आणि ज्या कोणत्या ठेकेदाराला हे काम देत आहेत त्यांच्याकडनं इस्टिमेटप्रमाणे योग्य तो काम करून घेणे हे महत्त्वाचे आहे, ते असे आम्ही मागणी करतो आहे। BCN न्यूज के लिए मोदा से संजय गिडे की रिपोर्ट।